हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मास्टरबेशन के बारे में, क्योंकि मास्टरबेशन एक बहुत बड़ा मिथ बन गया है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में डाउट है कि कितना करना चाहिए, क्या साइड इफेक्ट है, क्या बेनिफिट है, तो हम ये बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि और भी इससे रिलेटेड मैं वीडियोस लेकर आऊँगा। हेल्थ रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर आप कंसल्ट कर सकते हैं डायरेक्टली सर्जरी ऑनलाइन ऐप के थ्रू, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको लगता है कि मास्टरबेशन करने से आपकी बॉडी कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है और आपको काम करने में मन नहीं लगता है, तो क्या आपको मास्टरबेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कितना करना ठीक रहेगा और कितना करना नहीं ठीक रहेगा। तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, दिन में कितनी बार करना चाहिए, हफ्ते में कितनी बार करना चाहिए। तो देखिए, मास्टरबेशन नंबर से कोई मैटर नहीं करता कि दिन में आप कितनी बार कर रहे हैं या हफ्ते में कितनी बार कर रहे हैं। नंबर कभी मैटर नहीं करता इस चीज़ के लिए। क्या मैटर करता है, उससे क्या कॉन्सिक्वेंस हो रहा है वो मैटर करता है। जैसे कोई लड़का है जो दिन में दो बार मास्टरबेशन करता है, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल हेल्दी है, अच्छे से खाता है, पीता है, अच्छे से सोता है, अच्छे से अपने काम सारे कर लेता है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होता है, और वो दिन में दो बार मास्टरबेशन भी कर रहा है, तो उसको यूजली कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई भी साइड इफ़ेक्ट उसका नहीं होगा, वो बिल्कुल हेल्दी रहेगा और उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, बिल्कुल नॉर्मल होगी। लेकिन अगर कोई लड़का है जो दिन में एक बार ही मास्टरबेट कर रहा है और उसको मास्टरबेशन डेली कर रहा है, वो डेली एक बार मास्टरबेशन कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से वो हमेशा उसी चीज़ को सोचता रहता है, हमेशा उसके ख्याल में वही चीज़ें आती रहती हैं, हमेशा जो पॉर्नोग्राफिक वीडियोस होती हैं, हमेशा वो वही देखता रहता है, अपना टाइम वेस्ट करता रहता है, और अपना काम में उसको मन नहीं लगता है उस चीज़ की वजह से, या फिर वो अपने काम पे जा नहीं पाता है, या फिर उसे थकान महसूस होता है मास्टरबेशन करने के बाद, भले ही वो एक बार कर रहा हो या दो दिन में एक बार कर रहा हो, लेकिन उसको करने के बाद उसको थकान महसूस हो रहा है, वो काम पे नहीं जा रहा है। तो ये सारे चीज़ें कॉन्सिक्वेंसेस हैं मास्टरबेशन के। अगर आपको ये सब चीज़ें हो रही हैं, अगर आप मास्टरबेशन करते हैं और उसके बाद आप गिल्ट में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको गिल्ट होता है कि मैंने क्यों कर लिया, तो ये सब चीज़ें हो सकता है कि वो एबनॉर्मल हों। क्योंकि दोस्तों देखिए, मास्टरबेशन नंबर से कभी मैटर नहीं करता, आप एक बार करें, दो बार करें, या दिन में एक बार करें, या दो दिन में एक बार करें, या हफ्ते में चार बार, पाँच बार करें, या दस बार भी करें, उससे मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आपको ये करने से, दिन में एक बार भी कर रहे हो या दो दिन में भी एक बार कर रहे हो, और करने की वजह से ये सब कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं, ये सब चीज़ें आ रही हैं जिसकी वजह से आप नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, थकान महसूस कर रहे हैं, कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं और अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये एबनॉर्मल है। उसकी वजह से गिल्ट हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है अगर स्टूडेंट है तो, या फिर अगर जॉब पे है तो काम में मन नहीं लग रहा है, या फिर उसकी वजह से आपके जो पार्टनर है, अगर आप मैरिड हैं तो उसकी वजह से, मास्टरबेशन की वजह से आपकी सेक्सुअल लाइफ हैम्पर हो रही है, तो ये सब चीज़ें एबनॉर्मल हैं। फिर आपको एक कंसल्ट कर लेना चाहिए साइकेट्रिस्ट से, या काउंसलिंग करा लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, हेल्दी हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका डेली लाइफ बिल्कुल हेल्दी है, आपको नींद अच्छी आती है, आपको काम में मन लगता है, आप हेल्दी फील करते हैं, थकान नहीं होता है, सब कुछ आप कर ले रहे हैं, तो आप दो बार भी मास्टरबेशन एक दिन में कर रहे हैं तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एबनॉर्मल नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो मास्टरबेशन नंबर से मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपको उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहे हैं। याद रखिएगा दोस्तों, मास्टरबेशन के बारे में और भी मैं वीडियोस लेके आऊँगा, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स हैं, मिथ्स हैं मास्टरबेशन को लेकर। हम आने वाली वीडियोस में बहुत सारे ऐसे रिलेटेड सेक्सुअल इश्यूज सॉल्व करेंगे, बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड बातें करेंगे, और सर्जरीज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हालांकि क्योंकि मैं सर्जन हूँ तो मैं सर्जरी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप मुझसे इसी तरह जुड़े रहें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई कंसल्ट करना है तो सर्जरी ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर अगर छोटा मोटा सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर अपने सवाल इंस्टाग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।